सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। सिर्फ एक कान से ही सुन पाता है टीम इंडिया का ये खिलाड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से टीम इंडिया में जगह पाने वाले वाशिंगटन सुंदर की। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े अरमान और सपने संजोए देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना हर युवा खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है और सुंदर का ये सपना आज साकार हो गया। सुंदर ने आईपीएल में तो अपनी छाप छोड़ ही चुके हैं, लेकिन अब ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी अपना जौहर दिखाने को बेताब है। लेकिन बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाहिने हाथ से गेंदबाजी करने वाला ये क्रिकेटर जब महज 4 साल का था तो परिवार को उसकी एक परेशानी का पता चला, और वो परेशानी थी सुंदर का सिर्फ एक कान से ही सुन पाना। बीते सीजन वाशिंगटन सुंदर को आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओर से खेलने का मौका मिला था। एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले सुंदर के परिवार को बचपन में ही पता चल गया था कि सुंदर एक कान से नहीं सुन सकते। माँ कई डॉक्टरों के पास गई, कई अस्पतालों में इलाज हुआ, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये रोग असाध्य है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। सुंदर को भी इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कमजोरी को अपनी परिस्थितियों पर हावी नहीं होने दिया। वाशिंगटन सुंदर ने क्रिकेट पर फोकस करना शुरू किया और 2016 में तमिलनाडु रणजी टीम में जगह बना ली। यहां से सुंदर को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका था। सुंदर बताते हैं कि उन्हें मालूम है कि फील्डिंग के दौरान साथी खिलाड़ियों को उनसे कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन मेरे साथियों ने कभी इसके चलते मुझे शिकायत नहीं की है और वो मुझे मेरी कमजोरी को लेकर कभी कुछ नहीं कहते। आपको बताते चलें कि सबसे खास और अच्छी बात तो ये रही कि सुंदर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू सिर्फ 18 साल और 69 दिनों की उम्र में किया है। इसके साथ ही वाशिंगटन सुंदर देश के लिए सबसे कम उम्र में एक दिवसीय डेब्यू करने वाले देश के 7वें खिलाड़ी रहे हैं। सुंदर को उनकी वनडे कैप टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री द्वारा मिली। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।